आप दोस्तों अस्तित्व इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों देखिए मेरे पास एक एवर रेडी कंपनी का जर्मनी मिक्सर है। और दोस्तों इस मिक्सर में क्या हो रहा है, मिक्सर बंद हो गया है। ग्राहक कह रहे हैं कि सर ये मिक्सर चलता नहीं है। हमने इसको चेक भी किया था और ऐसे चेक किया सिरिंज में तो चला नहीं है, और बाद में लाइट भी चला गया, तो मैं इसको रिपेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी हुआ होगा हम देखेंगे इसमें कि रिपेयर कैसे करेंगे। दोस्तों लाइट है नहीं, तो कई मित्र कमेंट आते हैं कि सर क्वांटिटेटिव टेस्ट से कैसे चेक करें मिक्सर को, रिपेयर कैसे करें। दोस्तों जब कोई मिक्सर हो या पंखा रिपेयर कर रहे हो तो पहले आप उसका नॉब बटन ऑन कर दें। बटन ऑन करने के बाद में फिर आपको कोड वायर जो है ये देखिए इस तरह से आपको कोड वायर लगाना है। अगर आपका मिक्सर चालू होगा और कोई बल्ब जलेगा, यानी हमारा टेस्टर जो है ऑन हो जाएगा। अगर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, ये टेस्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मिक्सर आपका बंद है। तो आप क्या करें, फिर अभी मिक्सर को उल्टा रख दें और आपका जो है इसका पीछे का बॉटम खोल लें। दोस्तों देखिए बॉटम खोल लिया आपने और आपका फिर ये सीधा बाहर निकाल दिया। दोस्तों हमने बाहर निकाल दिया है और फिर आप क्या करें, सबसे पहले आपने बाहर निकाल दिया है तो सबसे पहले आप चेक कर लें ये हमारा सर्किट ब्रेकर इसमें लगा हुआ है, तो चेक कर लें पहले इसको, ये चालू है कि नहीं। दोस्तों हमारा ये देखिए हमारा सर्किट ब्रेकर बिल्कुल ओके है, यानी हमारा ये सीबी जो है ये ठीक है, ये ख़राब नहीं है। ये तो हो गया आपका। दोस्तों सबसे पहला तरीका है ये सिस्टम में, जब भी आपको चेक करना कोई तो इसी तरह चेक करें। हाँ फिर इसके बाद क्या करना आपको, तो ये देखिए उसके बाद कुछ चेक करना है। सबसे पहले आपको कोड वायर, ये देखिए आपके कोड वायर के दो वायर हो गए, एक ये वायर है और एक ये वायर है। आपको फिर चेक करना है कोड वायर कि आपको कोड वायर सही है ख़राब है। उसके दोस्तों ये देखिए इस तरह से एक रखें और ये देखिए लाला वायर जो है ये हमारा बल्ब जल रहा है, यानी हमारा कंटिन्यू टेस्टर जो है ये ऑन हो रहा है, हमारा एक वायर ठीक है। और दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, देखिए ये दूसरा भी हमारा टेस्ट जल रहा है, मतलब हमारा वायर बिल्कुल ओके है। दोस्तों वायर ओके है तो वायर कम हो फिर भी ठीक है। और फिर आप क्या करें दोस्तों, अक्सर क्या होता है कभी कभी मिक्सर में आपका जो कार्बन ख़राब हो जाएगा तो भी ऐसा होता है, तो कार्बन चेक करना। दोस्तों ये देखिए आप फोटो रखिए इस तरह से दोनों साइड, ये देखिए हमारा कार्बन ओके है, यानी हमारा कार्बन जो है इस तरफ से कंटिन्यूटी आ रहा है, तो इसके लिए हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। फिर आप क्या करें, और फिर आपको करना ये पड़ेगा आपको जो वाइंडिंग है, अभी इसको वाइंडिंग चेक करना पड़ेगा कि आपका सीबी ओके है, कार्बन ओके है, और फिर आपको वाइंडिंग चेक करें। दोस्तों देखिए इसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो कॉयल है, एक इस तरफ हमारा कॉमन कॉयल है, ये हमारा स्पीड कॉयल है। तो आप पहले चेक करें कॉमन कॉयल, ये देखिए इस तरह से रखें, एक रखें जहाँ पर आपका लगा है कार्बन का वायर। दोस्तों खैर ये वायर टूटा हुआ है, हाँ दोस्तों वायर टूटा हुआ था, इस बार भी ये तो बता रहा है बराबर है। अभी आप चेक कर लें इस वाले कॉल को कि आपका कॉल ठीक है। दोस्तों ये तो नहीं बता रहा है, अब क्या करें इस बार में निकाल लें। और ये देखिए वायर यहाँ पे आया हुआ है, हाँ दोस्तों देखिए ये नहीं बता रहा है, हाँ एक कॉइल नहीं बता रहा है ये। अब इस ये देखिए यहाँ बता रहा है लेकिन ये यहाँ से नहीं बता रहा है, यहाँ भैया मिक्सर घिर। दोस्तों देखिए ये बता रहा है लेकिन ये देखिए ये नहीं बता रहा है, तो मतलब जो प्रॉब्लम है अपना यहीं पे है, मतलब इस कॉइल में दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मोटर को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पर काम करने जमेगा नहीं, अपने पूरा मोटर खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, मोटर बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों मोटर बाहर निकाला आपने को, और तो सबसे पहले कपड़ा खोलना पड़ेगा, कपड़ा खोल के मोटर बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमने कपड़ा निकाल लिया है, इसमें एक बात का ध्यान रखें आप, जब भी आप निकालें कपड़ा तो ये जो वासर लगा है इस वासर को आपको गुम नहीं करना है, जितना लगा है सेम उसे लगाना है, नहीं तो क्या होगा पता है, अगर आपने वासर घुमा दिया, कम लगा ज़्यादा लगा दिया, तो आपको जो मिक्सर का कपड़े का सेटिंग है ये बिगड़ जाएगा। इसे ध्यान रखें पूरा कि जब भी आपको कपड़ा खोलना हो जो वासर यहाँ लगे रहते हैं ऊपर, ये सभी वासर को संभाल रखना है, जितने लगे उतने लगाना है, कम भी लगाना नहीं ज़्यादा भी लगाना नहीं। फिर आपको ये आपको जो आपका मोटर का स्क्रू है इसको भी खोल लें,
और इसको भी खोलेंगे आप, जिसके में जो वाइसर है आपको दिखाता हूँ, इस वाइसर को ध्यान रखना है। अक्सर कई लोग देखता हूँ मैं मिक्सर आता रहता है मेरे पास, तो मिक्सर जो कपलर है मोटर एक तरफ झुका रहता है एक तरफ उठा रहता है, उसका कारण क्या पता, उसका कारण सिर्फ ये रहता है जो वाइसर यहाँ पे रहता है ऊपर, अगर ये वाइसर हम कम ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ मोटर जो है या तो उठ जाएगा या तो गिर जाएगा नीचे। इसलिए यहाँ पर जितना वाइसर लगा है इस सारे वाइसर को और रबर को बराबर लगाना है। ये देखिए आपको एक एक के अंदर जितना वाइसर लगा हुआ है ये सभी वाइसर को बराबर लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने खोला और फेंक दिया, ये काम नहीं करना है, ये काम करना गलत बात है। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको जो मोटर का हाइट है कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करें, आप चाहें इस मोटर को इस तरह रख लें, फिर आपको क्या करना है, आपको जो ये है ना इसको कटिंग कर दे टाई को दोस्तों, फिर टाई कटिंग कर दिए बड़े प्यार से कटिंग करें। और दोस्तों अक्सर जो हमारा एलुमिनियम वाइंडिंग वाला मिक्सर होता है उसके अंदर क्या होता है, कभी कभार लीड जो है यहाँ खुल जाता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। फिर आप क्या करें, इसको बड़े प्यार से अब इसको बाहर निकाल लें, ये देखिए बाहर निकाल लिया आपने। फिर आपको क्या करने का है, ये देखिए इतना सबसे पहले जो हमारा वायर है ये नहीं बताया कार्बन से, इसको इस तरह से प्यार से दबाएं। दोस्तों वीडियो को ध्यान देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपको बराबर समझ में आए कि इसको हमने रिपेयर कैसे किया। दोस्तों मैंने पहले बताया आपको कि मैं इसके अंदर आपको ये देखिए दोस्तों यहाँ दबा लगा हुआ है भाई, अब आगे देखते हैं यहाँ वायर लगा हुआ है तो क्या दिक्कत है भाई। फिर आप क्या करें, ये देखिए यहाँ पे जो वायर है इसको भी इस तरह दबाएं और इसे भी बाहर निकालें, जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि हमने बताया पहले ही ये एल्युमिनियम वाइंडिंग वाला मिक्सर है। ये देखिए बाहर निकल गया है दोस्तों, गौर से देखिए एक वायर यहाँ टूटा हुआ है। तो अब क्या करें, आपको कन्फर्म करना है कि वायर बता रहा नहीं बता रहा, नहीं बता रहा है, अरे ये और ये बता रहा है, हाँ दोस्तों ये देखिए ये बता रहा है, इससे मतलब है हमारा जो वायर है ये वायर यहाँ से ब्रेक हो गया था, दो वायर था देखिए, ये देखिए दो वायर था, ये वायर इसके जोड़ीदार है, यानी ये सप्लाई जो है यहाँ पे आएगा फिर इसके थ्रू इसमें जाएगा फिर इसके थ्रू इसमें आएगा, इसमें क्या हुआ था ये वायर हमारा ब्रेक हो गया था। तो अभी अब क्या करें, इस वायर को आप आराम से खोल लें, फिर इसको आपको दोनों को साफ कर लेना है सही से एकदम अच्छे साफ कर लें, और फिर आपको दोनों को आपस में जोड़ देना है ताकि ये दोनों आपस जुड़ जाए अच्छे से। ये देखिए मतलब जुड़ गया है ये, फिर आप क्या करें, अभी आपको वाइंडिंग चेक कर लेना है कि आपका वाइंडिंग क्यों बता रहा है, क्या ये बता रहा चाहिए दोस्तों, ये देखिए बता रहा है, इसको देखिए ये खैर नहीं बता रहा सुन वाले आपके साथ जुड़ रही सही से। दोस्तों जल्दीबाजी वाला काम नहीं है, आप जल्दीबाजी कभी ना करें, ये देखिए ये बता रहा है और ये भी बता रहा है, यानी हमारा प्रॉब्लम जो था यहीं पे था। अभी आप क्या करें, इसको कट कर लें, कट कर लें और फिर से आपको यहाँ पे इस वायर को जोड़ देना है, इसे तो अच्छे जोड़ देना है। और दोस्तों मैं इस पर शोल्डर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एल्युमिनियम में ये मैं इसको शोल्डर नहीं करूँगा, तो मैं इसी को इसी तरह से फिर से ज्वाइन कर दूँगा। इस तरह से इसको कर लेना है और ये बड़े प्यार से स्लू को इसको चढ़ा देना है, ये देखिए, और फिर स्लू को चढ़ा देना है। अगर आपको लगे कि आपको डाउट है, खैर दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है तो कोई जरूरत नहीं, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। ये देखिए फिर आपको फिर से जैसा था ये इसे उसी वैसे में इसको ले आना है और इसको आपको बांध देना है। दोस्तों ये काम बड़े प्यार वाला है तो आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि तो वाइंडिंग ये देखिए खैर टूट गया तो कोई बात नहीं है, चिंता ना करें। दोस्तों ने बताया पहले ही काम बहुत प्यार वाला है ये, अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये टूट जाता है ये, क्योंकि बहुत नाजुक है एल्युमिनियम वाइंडिंग वाला चीज़ है ये। कॉपर वाइंडिंग है तो आपको थोड़ा सेफ्टी रहता है, लेकिन एल्युमिनियम वाइंडिंग में काम करते समय एकदम ध्यान से काम करना पड़ेगा। फिर आप क्या करें, इसको भी आप साफ कर लें।
दूसरे चूल्हे से जला के साफ किया है, क्योंकि बोला हमने पहले ही कि वायर जो है एल्युमिनियम का है, ज़्यादा खींचतान हुआ टूट सकता है, टूट जाएगा तो फिर ऐसा वो काम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बड़े प्यार से करना है आपको। स्लू किसमें डाल देना है, स्लू डालना नहीं भूलना है। स्क्वायर पीस में ज्वाइन कर देना, दोस्तों देखिए ज्वाइंट हो गया है और फिर इसके ऊपर 44 स्लू चढ़ गया। ये फिर आपको लेना टाई, ये देखिए हमने टाई लिया है। फिर आप मोटर को चाहे सिला दें, जैसा आपको सुविधा लगे ऐसा करें, जैसा आपको बांधने में आसानी लगे वैसा करें। दोस्तों मोटर को मैं रहा हूँ। खैर दोस्तों नया रहता है वायरिंग तो आपको इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जूनियर में कैसा होता है, हमारा वायर जो होता है कड़क हो जाता है, तो उसमें वायर टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए आपको बड़े प्यार से बड़े सावधानी से करना पड़ता है, और बाकी नए के अंदर आपको इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइंडिंग वायर एल्युमिनियम वाला वो सॉफ्ट रहता है, टूटता नहीं है, और जूनियर क्या होता है फिर कड़क हो जाता है, वो फिर टूटने का चांस बढ़ जाता है। टाई दोनों साइड बांध रहे हैं टाई से। हाँ दोस्तों देखिए एक साइड बांध दिया हमने, अब टेंशन जरा कम हो गया। दूसरी साइड में इस तरह बांधे, क्या होता है कभी खींचतान हो गया तो टूट सकता है ये, तो इसके लिए आपको दोनों साइड टाई बांधना है। हाँ दोस्तों टाई बांध दिया आपने, अभी आप क्या करें एक बार फिर चेक कर लें, क्योंकि आपने टाइम आधा है, इधर उधर वायर हुआ है, थोड़ा सा टूट जाए, इसके लिए आपको चेक करना फिर से। दोस्तों देखिए ये दोनों बता रहा है आपस में, और ये देखिए बताता है क्या, दोस्तों बता रहा है अभी। अभी आप क्या करें, अभी इस टाई को यहाँ से कट कर दें, दोस्तों एक कार्बन डाल दें अंदर, और कार्बन डाल के और आपका जो ये पट्टी है वायर वाला पट्टी, ये आपको वायर डाल देना अच्छे से। हमने बताया पहले ही कि मैं इसको रिपेयर करूँगा बिल्कुल भी, और लाइट का इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, लास्ट में एकदम जब मिक्सर के फिटिंग कर दूँगा उसके बाद इस्तेमाल करूँगा लाइट। दोस्तों देखिए ये आपने लगा दिया है, छलके से बैंड कर, अब मोटर को आप सीधा रख लें। फिलहाल दोस्तों देखिए अभी आप यहाँ चेक करेंगे, और यहाँ देखिए ये बताना चाहिए आपस में, अगर बता रहा है ये तो आपका मोटर बिल्कुल ओके है। दोस्तों खैर बता नहीं रहा है तो चिंता ना करें, कोई और कारण होगा नहीं बताने का, फिर तो ठीक बता रहा है, देखते हैं हम क्यों नहीं बता रहा है। ये तो बता रहा है, हाँ दोस्तों बात चीता हुआ है, कह रहे बोला हमें ये बात ज्वाइन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमेशा अपने काम पे भरोसा रखें, हमें क्या बोला आपको कि बताना चाहिए कोई और कारण होगा, मतलब मुझे अपने काम पे पूरा विश्वास है। पैर इसमें जोड़ दिया है, इसको फिर से आप इसमें डाल दें, जल्दीबाजी नहीं करना है, हम इसका काम को आराम से शांति से करें। उसको क्या जल्दी जल्दी में करते हैं तो क्या होता है काम ख़राब भी होता है, ऐसा नहीं करना आपको, काम हमेशा आराम से। फिर आपको देखिए एक हमारा कॉमन है ये, और ये हमारा स्पीड कॉइल, दोस्तों देखिए हमारा बता रहा है ये, आप दोस्तों देखिएगा ये हमारा डिम जल रहा है और ये हमारा तेज जल रहा है, यानी हमारा ये वायर है हमारा तीन नंबर स्पीड है, अभी हमारा एक नंबर स्पीड है। अभी आप क्या करें, पहले आप देख लें कि मोटर आपका फ्री भी नहीं, दोस्तों मोटर बिल्कुल फ्री है, खैर हमने यहाँ बिल्कुल खोला नहीं है तो मोटर तो फ्री रहेगा ही। अभी आप क्या करें बिठा देना है, दोस्तों जब भी आप बिठाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये स्पीड वाला वायर है हमेशा स्विच की तरफ रखें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आप ये देखिए मोटर को इस पोजिशन में रख ले, इस पोजिशन में आपका स्क्रू रखने वाला है, इस तरह पकड़े और बड़े प्यार से आप इस तरह से यहाँ पे लाएं और ये स्क्रू लगा लें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, और जल्दीबाजी वाला काम जो होता है हमेशा खराब होता है, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है।
फिर आपको ये दूसरा भी लगा देना है इसके अंदर। मैंने बताया पहले कि वाशर जो है इसके का, ये वाशर बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको जितना है उतना लगाना है, कम को नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप वाशर कम ज़्यादा कर देंगे तो आपको जो मोटर की हाइट है इधर उधर हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करें, हमारा स्कूल क्या है भाई, आप तीनों स्कूल को खुल डे। हाँ दोस्तों देखिए ये हमारा लग गया है स्कूल। अभी आपको क्या करने का है, आपका जो हमारा स्पीड कॉइल है, ये स्पीड कनेक्शन आपको कर देना है, इस तरह से कर देना है। और आपको ये वाला देखिए डायोड है, इस डायोड के अंदर आपको ये वायर जोड़ देना है। फिर आपको इसको भी यहाँ पे जोड़ देना है। अभी आपको क्या करने का है, बाकी तो कनेक्शन पहले सही है, ये भी आपको इसके चढ़ा देना है। फिर दोस्तों देखिए अभी आप चाहें, ये देखिए हमने ये लगा दिया है, और ये देखिए ये हमारा कोल वायर है, और ये दोस्तों अभी हमारा मिक्सर बंद है, हमने ऑन नहीं किया है, ये देखिए हमने ऑन, अच्छा ऑन है ये देखिए, बट हमारा ऑफ है और हमारा लाइट नहीं चल रहा है। अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, ये देखिए हमारा लाइट जलने लगा है, मतलब हमारा मिक्सर चालू हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों लगता है हमारा स्विच भी ख़राब है, तो स्विच चेक करते पहले, क्योंकि लाइट हमने लगा दिया तो ऑन होना चाहिए था, कि हमारा वाइंडिंग बता रहा है बराबर ओके है। दोस्तों स्विच चेक करना आपको, तो क्या करेंगे आप स्विच को ऑन करें, ये देखिए हमने ऑन कर दिया, और आप यहाँ पे लगाएं एक बार, ये देखिए एक यहाँ लगाना है, देखिए ऑन हो गया है। और दूसरा भी ऑन करेंगे आप, ये देखिए दूसरा आपने ऑन किया, और फिर से वही से चेक करना है। हाँ दोस्तों ये तो बता रहा है, और तीसरा भी ऑन करें, तीसरा नहीं बता रहा है, और खैर दोस्तों लगता है वायर हमारा सही जुड़ा नहीं है, तो क्या करते हैं इसको निकाल के फिर बदल देते हैं। हाँ बात सही जुड़ा नहीं है दोस्तों, हमेशा आपको डाउट है थोड़ा भी तो हमेशा अपने काम पे फिर चेक करें, ऐसा नहीं कि आपको कैसे भी करके दे दें, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए अभी हम क्या करते हैं, लगाते हैं क्लिप नया, क्लिप आया नया में, और ये देखिए आप इस तरह डाल दें इसको नॉच क्लियर से। दोस्तों हमने वायर जोड़ दिया, अभी आपको चेक करना स्विच को। दोस्तों हमारा एक स्विच ये लगता है खराबी है, अच्छा हाँ बता रहे हैं, अभी आप क्या करें ये बार। दोस्तों देखिए हमने वायर लगा दिया, अभी देखते फिर से एक बार, हाँ ऑन हो रहा है अभी, और ये भी ऑन हो रहा है, और ये भी ऑन हो रहा है, मतलब हमारा ओके। आप क्या करते हैं इसको हम पैक करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक लाइट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, और मेरे वीडियो जो होते हैं अगर समझिए आप, बीच में आपको दिख रहा होगा कि रुका वीडियो, तो रुका इस कारण से होगा कि मेरे कस्टमर आ गए होंगे, मुझे उनसे बात करना होगा, और तो उससे रुक गया होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट फिर चेक करके ठीक किया, ऐसा करने का नहीं करता हूँ, जो बोला आपको सो बोला, मुझे कोई डाउट रहता नहीं अपने काम में। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी अपने काम पर पूरा भरोसा रखिए। फिर आप क्या करें, ये बार आपको जोड़ देना इसके अंदर, लगा देना है इसमें। हाँ दोस्तों देखिए टाइट हो गया ये, अभी आप इसको सीधा कर लें। फिर दोस्तों आपको डाल देना वाइसर, हमने पहले बताया कि कितना वाइसर निकला है, आपको उससे मोटा वाइसर डालना है, कम नहीं डालना है, अगर आप कम डालते हैं
फिर आपको लगा देना आपका ये जार कपड़ा, ये मोटर कपड़ा, और फिर आपको किनर लगा टाइट कर देना। तो आपको लगा देना है यार इसके ऊपर ये रबर, ताकि इसमें दोस्तों दो ही था तो मैं दो ही लगा सकता हूँ, तीसरे कान लगाऊंगा मैं, ये लगा देना है। फिर आपको एक बार पहले चेक करता हूँ फिर से एक बार में दोस्तों, देखिए बटन बटन ऑन किया हमने, दोस्तों कौन से देखिएगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइट फुल जल रहा है, यहाँ पे लगा लाइट डिम जल रहा है, यानी हमारा ये सबसे स्लो स्पीड है और ये हमारा इससे तेज है और ये हमारा ये फुल है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अगर चेक करें टेस्टर से कंटिन्यूटी से, आपने समझो चेक किया लाइट फुल जल रहा है और यहाँ भी चेक किया, ये देखिए अभी ऐसे चेक किया लाइट फुल है और यहाँ भी चेक किया लाइट फुल है, दोस्तों देखिए आपने ऐसे चेक किया लाइट फुल है और यहाँ भी चेक किया लाइट फुल है। जब लाइट फुल रहेगा दोनों साइड पे तो समझ जाए आपके यहाँ शॉर्ट है, अगर लाइट आपको हल्का भी डिम हो रहा है समझ जाए तो मिक्सर ओके है। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल ओके है, अब लगाते हैं दोस्तों, देखिए हमने लगाया सीरीज में पहले दोस्तों कौन से देखिए, जब भी आप लगाए सीरीज में अगर आपका बल्ब छोटा होगा तो जो कि 100 वाट का बल्ब है 100 वाट बल्ब है तो मिक्सर आपका हल्का भी हिल गया, हम जी छोटा भी हिल गया समझ जाए तो मिक्सर ओके है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मिक्सर आपका फ्री है पूरा और हल्का भी नहीं हिला तो भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, ये देखिए हिला मतलब फिर आप क्या करें हम लगाए मेन इस तरह से, कभी आपको लाइट ना हो और आपको मिक्सर चेक करना हो रिपेयर करना हो कोई चीज़ तो इस तरह रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी औजार के मतलब बिना लाइट के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप वीडियो ध्यान देखेंगे तो पक्का समझ जाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इस तरह का मैं अपनी वीडियो हर दिन लेके आते रहता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।